الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نهایت واجب الاحترام سامعین کرام, अल्लाह तबारक व ताला का ये एहसान कि उसने हमें रमज़ान की ये सआदतें अता फरमाई और इन सआदतों में हमें जो है दीन सीखने की भी तौफीक अता फरमाई. तो अल्लाह तबारक व ताला के फजल करम से कल हमने जो है सजदा सहाब के बारे में सीखा कि किन मकामात पर और किस जगह और कब जो है वो सजदा सहाब जो है वो किया जाता है और इसका तरीका भी हमने सीख लिया. इसमें आज एक चीज मैं आपको और बताता चलूं, वो भी इसी में आता है और आगे उसकी वजाहत आएगी. लुकमा लेना, लुकमे का जहन में रखें कि क्योंकि आजकल घरों में भी इमामत हो रही है तो ये मसाइल जो है जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर इमाम से पढ़ते हुए कोई गलती हो जाए उस गलती पर उसको उसकी किरात को या उसने जो है जैसे हम सजदा साहब का कह रहे थे कि दूसरी रकत में उसने बैठना था और वो नहीं बैठा, खड़ा हो गया, तो अब आखिर में वो सजदा साहब करेगा. अब जैसे ही वो दूसरी रकत से खड़ा हुआ तो इमाम खड़ा हुआ तो मुक्तदी लुकमा किस वक्त उसको दे सकता और किस वक्त नहीं दे सकता, ये बहुत जरूरी है जानना. तो उसके लिए ये चीज है कि लुकमा जब आपने गलत दिया, क्योंकि ये जरूरी इसलिए कि लुकमा जब गलत दिया आपकी नमाज फासिद हो जाएगी. और अगर इमाम ने गलत जगह आपका लुकमा ले लिया और उस पर अमल कर लिया तो उससे इमाम की नमाज भी फासिद हो जाएगी और सब लोगों की फासिद हो जाएगी. तो इसलिए जब दूसरी रकत जो है उसमें बैठना ये वाजिब है. इसी तरह जो है आजकल रमजान में ये मसाइल पूछे जाते हैं कि वित्र जो है वो जमात के साथ होती है, दुआए कुनूत जो है वो क्योंकि रूटीन से नहीं होती, कभी पढ़ना भूल जाते हैं और रुकू में चले जाते हैं. तो ये इस तरह की जो भी जो है वो गलतियां होती हैं उनमें एक कायदा और उसूल बस याद रखें कि लुकमा बेसिकली ये होता है कि नमाज के दौरान तालीम और ताल्लुम, सिखाना कोई चीज और सीखना. तो जब इमाम को आप कोई लुकमा देते हैं तो ये तालीम और ताल्लुम होता है जो कि नमाज को फासिद कर देता है. शरीयत ने जरूरतन इसकी इजाजत दी है और जरूरत यह है कि इमाम किरात करते हुए अगर पढ़ रहा है और ऐसी जगह पहुंचा है कि वो भूल गया और उसके साथ अगर वो दूसरी कोई ऐसी आयत मिला देगा जिसका मफहूम जो है बिल्कुल दूसरा है तो बाज औकात ऐसी आयत मिलाने से नमाज ही फासिद हो जाएगी और मानी भी बिगड़ जाते हैं. मिसाल ऐसे देता हूँ कि अगर वो आयात पढ़ रहा था कि जिन आयात में जिक्र था कुफार का कि ये कुफार ये करते हैं और जो करते हैं, आखिर में उसने ये कहना था कि उनके लिए जहन्नम है और उसमें हमेशा रहेंगे, उसने आयत ये पढ़ गई कि लाहुल जन्नतु खालिदीना फिया इस तरह पढ़ दिया, तो अब ये क्या नमाज ही फासिद हो जाएगी कि जिक्र जो है कुफार का और आखिर में वो क्या है वो आयत ले आया वो जो जो इनाम है ईमान वालों के लिए. तो इस तरह जो है लुकमा इसलिए जरूरत के तहत जो है लुकमा देना जो है वो जायज करार दिया गया और ये भी क्योंकि हदीस से साबित है. तो अब जब लुकमा देना जो है वो जायज हुआ कि आप इमाम को बता सकते हैं तो फिर सही बताएंगे, गलत नहीं बताएंगे. इसलिए बहुत जरूरी होता है कि इमाम के पास जो लोग खड़े हों वो भी इल्म वाले हों, इमाम के पीछे खास तौर पर खड़े हों. ऐसे नहीं देखा ये जाता है कि मसाजिद के बाजू का सदर वगैरह होते हैं और वो सदर वगैरह अपनी लिए वो जगह फिक्स कर लेते हैं और जो हाफिज या जानने वाला वो भी दूर चला जाता है. तो ऐसा नहीं हो. हाँ अगर सदर ऐसा है कि वो अहले इल्म है और जानने वाला उसको दीनी अहकाम को जानता है फिर तो ठीक है, नहीं है तो करीब उनको खड़ा करें जो अहकाम को जाने
अब ऐसे ही मसला आया, मुझसे पूछा गया कि दुआए कुनूत जो उसने नहीं पढ़ी और इमाम जो रुकू में चला गया। अब रुकू में चला गया तो एक शख्स ने पीछे से लुकमा दिया तो इमाम फिर खड़ा हो गया। अब खड़ा होकर फिर उसने क्या है दुआए कुनूत पढ़ी और दोबारा गया। अब ये कितनी बड़ी गलती हुई कि जब वो रुकू में चला गया तो अब उसके लुकमे का माल खत्म हो चुका है। अब जिस शख्स ने लुकमा दिया उसकी नमाज फासिद होगी, उसने दोबारा पढ़नी है। इमाम ने भी लुकमा ले लिया तो इमाम की फासिद हुई और पीछे जितने पढ़ने वाले हैं सब की फासिद हो गई। तो फिर उनसे मैंने कहा कि अब ये वितर आप दोबारा ऐलान करें कि जिन्होंने ये वितर पढ़े दोबारा पढ़े, इनकी कज़ा करें जो पढ़ चुके हैं। तो इसलिए इन मसाइल का जानना बहुत जरूरी होता है। इसलिए याद रखें कि लुकमा अगर सही जगह है तो दें, वरना खामोश रहें। और बाज़ का ऐसे होता है कि लोग फौरन देखते हैं इमाम ने कोई गलती की तो हर तरफ से लुकमे देना शुरू कर देते हैं। बाज़ को चंद आयात आ रही होती है, जैसे सूरह यासीन याद की होती है, अब उस पे पहुंचे तो थोड़ा सा हुआ लुकमा दे दिया कि मैं बताना चाहूं कि मुझे भी कुछ आता है, तो ऐसे नहीं होता है। इसकी बड़ी एहतियात होती है। और इमाम को भी या आप भी इमामत अगर करा रहे हैं तो ये जहन में रखें कि अगर कोई चीज आपको भूल गई है तो सबसे पहले ये करें कि अगर वो फर्ज की रात हो गया तो आप उधर ही छोड़ के रुकू में चले जाएं और वहां से जो आप अपनी रकत जो पूरी कर लें। अगर आप भूल गए जरा सी देर ना करें, बस अगर फर्ज की रात होगी है फौरन रुकू में जाएं और आप नमाज अपनी जो है वो आगे कर लें और दूसरी रकत में जो भी सूरत पढ़नी है वो पढ़ लें। या फिर जो अगर आपको थोड़ी देर में याद आ रही है तो याद कर लें, या याद नहीं आ रही उसी वक्त फौरन तो आप उसको छोड़ के कोई दूसरी सूरत कर लें जो इसके मफहूम के तजाद ना हो। ये जहन में रखना है कि ये ना हो कि जो मफहूम आप पढ़ रहे हो तजाद वाली आयत पढ़ लें। इसलिए कुरान का तर्जमा और ये चीजें भी जहन में होनी चाहिए, सिर्फ रट्टा लगा लेना काफी नहीं होता। ये चीजें जो है वो जहन में रखें। तो दूसरी आयत वो ले आए जो इसके तजाद वाली ना हो, वो पढ़ना शुरू कर दें, इसको यहाँ से छोड़ दें। तो इमाम को ये चाहिए कि लुकमे की वो नौबत ही ना आए, लुकमा ले ही ना मुक्तदियों से। लेकिन क्योंकि तरावी में खास तौर पे वही आगे पढ़ना होता है, लुकमा लेना पड़ जाता है, वो रुकू में चला जाए अगली आयत में देख के दोबारा जो अगले दो सुन्नत पढ़े उसमें जो है वो क्या है उन आयात को जो है दोबारा से पढ़ ले, लुकमा ना ले। लेकिन अब पता है कि इमाम खड़ा हो गया लुकमा देना ही है तो फिर कभी किरात में या किसी भी जगह बेमहल लुकमा ना दे, महल के मुताबिक दें। अब इसमें यह सूरत है कि अगर इमाम जो है वो चलें दुआए कुनूत वाली बात कर लेते हैं, अब इमाम जो है उसने दुआए कुनूत नहीं पढ़ी, अल्लाहु अकबर कहा और सीधा जो है वो क्या है रुकू में चला गया। अगर वो रुकू में चला गया है तो अब उसको लुकमा नहीं देना। अगर कोई दे भी तो वो लुकमा उनका ना ले और अपनी नमाज जो है वो जारी रखे। जो लुकमा देगा उसकी नमाज फासिद हो जाएगी, वो दोबारा जो है अपनी नमाज की नियत करके दोबारा से जो है वो तकबीर कह के इमाम के साथ जो है वो उसमें शामिल हो जाए। तो अगर इमाम ने लुकमा ले दिया और वापस आ गया तो फिर सबकी नमाज जो है वो फासिद हो जाएगी। इसलिए इमाम को भी इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, सोचना चाहिए गलत जगह पे वो लुकमा ना ले ताकि सारे लोगों की नमाज जो है उस पर असर ना। बेशक दो मुक्तदियां या हजार मुक्तदियां सबकी नमाज जो है उस मौके पे क्या फासिद हो जाएगी। इसलिए लुकमे की ये चीज आप जहन में रखें कि गैर महल पे लुकमा ना हो। इसी तरह अगर जो है वो दूसरी रकत में नहीं बैठा और खड़ा हो गया, अब जैसे ही वो खड़ा हुआ और चार रकत वाली नमाज है तो वो क्या वाजिब है। अगर वाजिब छोड़ के वो क्याम की तरफ आ गया तो उसने क्या करना है, उसका आखिर में सजदा साफ करना है। अब इमाम खड़ा हो गया तो अगर जैसे ही वो खड़ा होने लगा है तो मुक्तदी ने लुकमा दे दिया तो वो क्या उधर ही बैठ जाए, ये ठीक है कि उसने उस वक्त दिया है कि उसने गलती की और फौरन उसको लुकमा जो है वो मिल गया। तो ऐसे जो है एग्जैक्ट टाइम पे अगर दे सकते हैं तो लुकमा दे। अब उसने लुकमा ले लिया तो ठीक है, नमाज भी सब की हो जाएगी और इसमें सजदा सहाब भी नहीं होगा कि फौरन उसने लुकमा लेके उस चीज को उधर ही दुरुस्त कर लिया। और अगर जो है वो क्याम के करीब आ चुका है, क्याम के करीब है तो फिर वो जो है वापस ना जाए और मुक्तदी भी देखे जाए वो क्याम के करीब आ गया तब उसको लुकमा ना दे। और बाद लोगों को देखा खड़े हो गया पीछे तो फिर लुकमे शुरू कर देते हैं, अल्लाह अकबर सुबहान अल्लाह और अल्फाज भी सुबहान अल्लाह कहना चाहिए। तो ये जो है बार बार सारी देखेंगे आप साफ में सारे एक एक दफा लाजमी उसको लुकमा देंगे। तो ये चीज गलत है कि जब इमाम जो है एक ही बंदा लुकमा दे और सही जगह पे दे तो ठीक है, वरना जो है लुकमा ना दे। इसी तरह ये कुछ मसाइल है उनको और हम सीखते हैं जिसमें जो है सजदा साहब से मुताल्लिक जो है मजीद मसाइल हैं। और इसमें कुछ मसाइल मैंने बताए थे कि जब वो चौथी रकत के बाद खड़ा हो, यानी आखिरी रकत में उसने जो है वो
अगर कायदा अखीरा किया है या नहीं किया, अगर कायदा अखीरा कर चुका है और इमाम जो है वो खड़ा हो गया तो मुक्तदी जो है उसके वापस आने का इंतजार करें। अगर वो वापस आता है तो ठीक है, अगर वो वापस आ गया अगली रकत के सजदा करने से पहले पहले तो फिर जो है वो क्या करे, सजदा सहव करे और उसके बाद जो है वो सलाम फेर दे। अगर ना आए तो मुक्तदी खुद सलाम फेर लें। अब वो जो उसके जब सजदा कर लिया उसने अगली रकत का तो अब उसका इंतजार ना करें। तो ये जो मसला कल मैंने इनफरादी तौर पे बताया था, इसी तरह जो है ये मसला इज्तिमाई तौर पे इमाम के साथ भी जो है वो इस तरह आया, तो आपने इनके मुताबिक जो आपने देखना है। अच्छा, मसला एक ये है कि इमाम ने सलाम फेर दिया और मसबूक अपनी पूरी नमाज करने खड़ा हुआ, अब इमाम ने सजदा सहव किया। मतलब बाज़ का तो होता है इमाम जैसे ही सलाम फेरता है तो जो मसबूक होता है जिसकी जो कुछ रकत रह चुकी होती है, मसबूक लाइक नहीं होता, एक लाइक होता है एक मसबूक होता है, तो मसबूक जो देर में शामिल हो उसे मसबूक कहते हैं। लाहिक वो होता है जो शामिल तो इमाम के साथ हुआ है, दरमियान में वो चला गया, किसी वजह से निकल गया, वुजू करने वुजू टूट गया, उसको लाहिक कहते हैं। तो यहाँ मसबूक की बात हो रही है, मसबूक अपनी पूरी करने के लिए खड़ा हुआ तो जब तक मसबूक ने अपनी रकत का सजदा ना किया हो तो लौट आए और इमाम के साथ सजदा करे। जब वो खड़ा हो गया और उसे पता चला कि इमाम सजदा साहब कर रहा है तो वो अगर खड़ा हो गया तो फौरन लौट आए और इमाम के साथ सजदा साहब करे। जब इमाम सलाम फेरे तो अब जो है अपनी खड़ा होकर नमाज पढ़े और पहले जो क्याम व किरात और रुकू कर चुका है उसका शुमार नहीं बल्कि आप दोबारा से जो है वो करे। तो और अपनी पढ़ ली, अगर इमाम की तरफ नहीं लौटा और अपनी शुरू पढ़ी और सजदा कर लिया तो फिर आखिर में जो है वो क्या सजदा साहब करे। और कहते हैं और अगर उस रकत का सजदा कर चुका है तो ना लौटे, लौटेगा तो नमाज फासिद हो जाएगी। वही अगर अगली रकत का सजदा नहीं किया तो लौटे, अगर सजदा कर चुका दोबारा लौटेगा तो उसकी नमाज क्या है फासिद हो जाएगी। इसी तरह कहते हैं इमाम के सहव से लाहिक पर भी सजदा सहव वाजिब है, मगर लाहिक अपनी आखिर नमाज में सजदा साहब करेगा और इमाम के साथ अगर सजदा किया हो तो आखिर में इयादा करेगा। लाहिक जो है अपना आखिर में सजदा साहब करेगा और मसबूक जो है इमाम के साथ सजदा साहब करेगा। मुकीम ने मुसाफिर की इक्तिदा की और इमाम से साहब हुआ तो इमाम के साथ सजदा साहब करे फिर अपनी दो पढ़े और उनमें भी साहब हुआ तो आखिर में फिर सजदा करे। यानी होता ही है कि मुसाफिर पढ़ता है दो रकत, अगर चार रकत वाली नमाज है उसके पीछे कोई जो है वो इक्तदा कर रहा है तो वो है मुकीम। अब मुकीम तो चार पूरी पढ़ेगा तो जब इमाम दो पे सलाम फिरेगा तो मुकीम खड़ा होके अपनी दो रकत पूरी करेगा। अगर उन दो रकत में जो मुसाफिर इमाम है उससे कोई गलती हुई अब वो सजदा साहब करेगा तो मुकीम को चाहिए कि वो उसके साथ सजदा साहब करे। सजदा साहब करने के बाद खड़ा हो, ये ना हो कि फौरन खड़ा हो जाए, सजदा साहब करे उसके साथ फिर जो है वो खड़ा हो और उसके बाद जो है क्या करे अपनी रकत पढ़े। अब अगली दो रकत में उससे फिर अगर कोई गलती हो जाती है और उसका वाजिब रह जाता है तो फिर उनमें एक और आखिर में अपनी उस गलती पर भी सजदा साहब करेगा। इसी तरह बहुत अहम मसला कि जिस पर सजदा साहब वाजिब था अगर साहब होना याद ना था और बनियत कता सलाम फेर दिया, यानी उसे याद ही नहीं रहा कि मैंने सजदा साहब करना है, सलाम फेर दिया तो अभी नमाज से बाहर ना हुआ, मतलब एक तरफ सलाम फेरा तो अभी वो बाहर नहीं हुआ बशर्त ये कि सजदा साहब कर ले,
लिहाजा जब तक कलाम या हदस से अमद या मस्जिद से खुरूज या और कोई फेल मुनाफी या नमाज ना किया हो तो उसे हुक्म है कि सजदा करे, और अगर सलाम के बाद सजदा साहब ना किया तो सलाम फेरने के वक्त से नमाज से बाहर हो गया। सलाम फेरने के बाद अगर किसी ने इक्तदा की और इमाम ने सजदा साहब कर लिया तो इक्तदा सही नहीं है। यानी कोई ऐसा फेल जो मुनाफी सलात नहीं है, मतलब उसने सलाम फेर दिया और अभी ऐसे ही बैठा हुआ है, पहले जो है वो दो जानू बैठा था अब चार जानू बैठ गया, अक्सर लोग फौरन जो है नहीं उठते, बैठा हुआ है तो अब ये मुनाफी सलात नहीं है, फौरन जो है फिर जो है दो जानू वो बैठे और सजदा कर ले। या जो है क्या है, मस्जिद के अंदर ही है और लेकिन उसने कलाम भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया और रुख भी क़िबला की तरफ ही है, मतलब खड़ा हुआ है और थोड़ा सा पीछे हुआ है, फिर भी वो फौरन बैठ गए और बैठ के सजदा साहब करे और नमाज जो है फिर अपनी मुकम्मल कर ले। इसलिए मुनाफी सलात काम जब तक जो है उससे नहीं हुआ वो जो है उसको मुकम्मल कर सकता है। ये मस्जिद के अंदर का जो है वो हुक्म है। रुकू में याद आया कि नमाज का कोई सजदा रह गया है और वहीं से सजदे को चला गया, या सजदे में याद आया और सर उठाकर वो सजदा कर लिया, तो बेहतर यह है कि उस रुकू और सुजूद का इयादा करे और सजदा सहव करे। मतलब उसे रुकू में याद आया कि मेरा तो पिछली रकत का एक सजदा रह गया, फौरन वो सजदे में चला जाए, चला गया और सजदा कर लिया उसने, तो अब जो है क्या है वापस जब आएगा तो वो जो रुकू था उसको बेहतर यह है कि जो रुकू वो दोबारा करे और आखिर में जो है वो सजदा साहब कर ले कि उसका जो है वो फर्ज अपनी जगह से हट गया था और उसको हटा के उसने अदा किया। अब वो जोहर की नमाज पढ़ रहा था और ये ख्याल करके कि चार पूरी हो गई हैं, दो रकत पर उसने सलाम फेर दिया, तो फिर क्या करे, चार पूरी कर ले और सजदा साहब करे। जैसे ही सलाम फेरा तो उसको याद आया ये तो मैंने तो चार फेर पढ़नी थी, अब वो क्या खड़ा और अपनी चार पूरी करे और आखिर में सजदा साहब कर ले। इसी तरह अगर किसी शख्स को रकत शुमार करने में शक हो गया, ये भी बहुत अहम मसला है और अक्सर हो जाता है, और आजकल तो लोग बस कुछ ना कुछ सोच ही रहे होते हैं जो भी होते हैं, पहले जो है कहते हैं जो टीचर होते हैं उनको ज्यादा सोच रहे होते हैं, उनको हो जाता है कुछ ना कुछ किसी टॉपिक में गुम होते हैं, लेकिन हर बंदा ही जो है क्या है कुछ ना कुछ सोच रहा होता है और शक पड़ जाता है। तो जिसको शुमारे रकत में शक हो, मसलन तीन हुई हैं या चार, एक तो ये कि ये शक है कि मैंने तीन पढ़ी हैं या चार पढ़ी हैं, दो पढ़ी हैं या तीन पढ़ी हैं, इस तरह का शक पैदा हो गया। अब वो सोचे कि बुलूग के बाद ये पहला वाक्या है, यानी जब से बालिग हुआ है उससे ये पहली दफा ये वाक्या हुआ है, तो सलाम फेर कर या कोई अमल मुनाफी नमाज कर करके तोड़ दे और दोबारा पढ़े। जब पहली दफा हुआ है तो वो क्या करे, उसको नमाज को उधर तोड़ दे और क्या करे, उसको नमाज को दोबारा से पढ़े। अच्छा, और अगर ये शक पहली बार नहीं हुआ बल्कि बेशतर भी हो चुका है, अब वो आदी हो चुका है यानी उसको अक्सर ये शक हो जाता है, तो फिर वो हर दफा नमाज तोड़ेगा तो इससे भी तो काम नहीं बनता, तो अब जो है उसका कोई ना कोई हल जो है वो निकालना है। तो फिर शरीयत ने इसका क्या बताया इसके बारे में, तो अगर गालिब गुमान किसी तरफ हो तो उस पर अमल करे, पहले ये सोचे कि गालिब गुमान किधर है, जहां गालिब गुमान हो उस पर अमल कर ले, वरना कम की जानिब को इख्तियार करे। अगर शक था कि तीन हुई हैं या चार हुई हैं तो तीन शुमार करे, अगर शक था दो हुई हैं या तीन हुई हैं तो दो शुमार करे, यानी एक हुई है या दो हुई हैं तो एक शुमार करे, कम वाली को शुमार करे। और फिर क्या करे, और तीसरी चौथी दोनों में कादा करे, तीसरी में भी कादा करे चौथी में, उसे शक था कि तीन हुई है या चार, अब वो क्या करे, तीन शुमार करे, तीन शुमार करे और क्या करे, कादा करे किस में, दोनों में। हो सकता है जो तीसरी है वो चौथी है, उसमें भी कादा कर ले
और चौथी में भी क्या कादा करे कि तीसरी रकत का चौथी होना क्या महमल है, और चौथी में कादे के बाद सजदा साहब करके सलाम फिरे। ये हो गया कब, जब उसे तीन या चार में शक था और किसी तरफ उसका गालिब गुमान नहीं था, तो फिर क्या करे वो कम वाली को इख्तियार करे और आगे दोनों में क्या है कादा कादा करे और कादा करके जो है आखिर में सजदा साहब कर ले। अल्लाह ताला इंशाल्लाह उसको कबूल मंजूर फरमा दे। और गुमान गालिब की सूरत में सजदा साहब नहीं, अगर उसने सोचा तीन है या चार है, फौरन उसे जहन में आ गया, बाजू का तो होता है फौरन आ जाता है कि मैंने अभी तो दूसरी में सूरत पढ़ी थी तो इसका मतलब है अब ये तीसरी है, तो मतलब ऐसे कभी जहन में आ जाता है, तो जैसे ही जहन में उसके आ गया गालिब गुमान है तो उस पर आप सजदा साहब नहीं। लेकिन कब, जबकि सोचने में बाकदर एक रुकन के वक्फा किया हो तो सजदा साहब वाजिब हो जाएगा। अगर सोचने में उसने देर ज्यादा लगा दी, और एक रुकन का वक्फा हम कहते हैं कि तीन दफा सुबहान अल्लाह पढ़ने के बराबर, इसको कहते हैं एक रुकन का वक्फा, तो आप वो देखे कि सोचने में उसने कितनी देर लगाई है। तो अगर तीन दफा सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह ये कहने में अगर वो टाइम नोट करे तो मतलब फॉर एग्जाम्पल 30 सेकेंड लगते हैं, तो अगर उसने 30 सेकेंड से कम में सोच कर गालिब गुमान को इख्तियार कर लिया तो फिर उस पर कोई सजदा साहब नहीं है, वो उसी तरह अपनी नमाज को पूरा कर ले। अगर वो जो है वो 30 सेकंड तक सोचता रहा या इसके बाद भी सोचता रहा, उसे एक मिनट लग गया सोचते हुए, तो फिर क्या करेगा उस पर, फिर गालिब गुमान फिर भी उसका कायम हो गया, गालिब ये हुआ कि मैंने चार पढ़ी हैं, वो चार ही शुमार करे, अब तीन शुमार नहीं करेगा, लेकिन क्या करेगा आखिर में सजदा साहब करेगा। वो सजदा साहब किस वजह से है कि उसने सोचने में देर लगाई। अब देखिए इसमें कितनी चीजें आ गई, पहला यह है कि वो देखे गालिब गुमान क्या है, अगर गालिब गुमान उसका फौरन कायम हो गया तो कोई सजदा साहब नहीं है। अगर गालिब गुमान में एक रुकन की मकदार यानी तीन बार सुबहान अल्लाह कहने की मकदार उसने सोचा या उससे ज्यादा मकदार सोचा तो जाएगा वो गालिब गुमान पे। अगर उसका गालिब गुमान यह है कि मेरी चार पूरी हो गई है तो चार चौथी करे और उसके बाद सजदा साहब कर ले, और ये सजदा साहब देर सोचने में देर लगाने की वजह से था। अगर उसका कोई गालिब गुमान नहीं बैठ रहा तो वो कम वाले की तरफ आ जाए, तीन और चार में शक है तो तीन करे, दो और तीन में शक है तो दो शुमार करे और उसी के मुताबिक जो है वो क्या है आगे कादा जो है वो करे और आखिर में जो है वो सजदा साहब कर ले। अगर उसे तादाद रकत में शक ना हुआ मगर खुद उस नमाज की निस्बत शक है, अब देखें ऐसे भी हो जाता है बाज़ों का, तादाद रकत पूरी है उसे ये शक हुआ, मसलन जोहर की दूसरी रकत में शक हुआ कि ये असर की नमाज पढ़ता हूं, या तीसरी में नफल का हुआ और चौथी में जोहर का, यानी पहली रकत में वो कहता है तादाद रकत के बारे में, मसलन जोहर की दूसरी रकत में शक हुआ कि ये असर की नमाज पढ़ता हूँ और तीसरी में नफल का शायबा हुआ और चौथी में जो है वो जोहर का, तो ये जोहर ही होगी, मतलब जो पढ़ रहा है उसे यकीन हो गया तो वो जोहर ही होगी। अब इस पे जो है उसको सजदा साहब नहीं करना कि ये शक वैसे चल रहा है, टाइम इस पे देर उसकी नहीं लगी। तो शाहौद के बाद ये शक हुआ कि तीन हुई या चार और एक रुकन की कदर खामोश रहा और सोचता रहा, फिर यकीन हुआ कि चार हो गई हैं तो सजदा साहब वाजिब है, यानी आखिरी तशहुद तशहुद फर्ज है, उसके बाद उसको शक हुआ। अब उसके बाद शक हुआ और शक के बाद यकीन भी हो गया कि नहीं चार पूरी ही है, लेकिन सोचने में क्या एक रुकन की मकदार खामोश, देखें जहां भी एक रुकन की मकदार आएगा तो उससे मुराद तीन बार सुबहान अल्लाह कहना, ये कुछ इस्तिलाही होती है, फिक की इस्तिलाह है ये, जो आप जरा जहन में बिठा लें, जब कोई और मसला पढ़ेंगे तो आपके लिए आसानी होगी इसमें। बहरहाल शक की सब सूरतों में सजदा साहब वाजिब है और गलबा जन में नहीं है, जहां भी उसको शक उसका शक ही रहा तो फिर सजदा साहब करेगा। अगर जो उसको गालिब गुमान है, गालिब गुमान किसको कहते हैं कि 50% से ज्यादा हो, 50% से कम है तो उसका शक है,
50% से ज्यादा है तो वो क्या है, गालिब गुमान की तरफ चला जाता है, 60 है, 70 है, 80 है, 90 है, जितना भी आ गया। तो अगर शक है तो शक में सजदा साहब है, और अगर जो उसे गालिब गुमान है तो गालिब गुमान में सजदा साहब नहीं है। हाँ, गालिब गुमान में सोचने में अगर उसने तीन रुकन की देर लगा दी तो फिर जो है क्या है उस पर सजदा साहब होगा, वरना नहीं होगा। इसी तरह वितर में शक हुआ कि दूसरी है या तीसरी, तो इसमें कुनूत पढ़ के कादे के बाद एक रकत और पढ़े। अब शक हुआ दूसरी है या तीसरी है तो क्या करे, उसी में उस दूसरी उसे दूसरी शुमार करे और उसमें कुनूत पढ़ के कादे के बाद एक रकत और पढ़े और उसमें भी कुनूत पढ़ ले और सजदा साहब कर ले। अब क्योंकि देखें शक हुआ है दूसरी या तीसरी है, तो अब इसमें क्या है, क्योंकि दुआए कुनूत भी पढ़नी होती है, तो जब दुआए कुनूत पढ़नी है तो जब वो उसको शक हुआ कि उसकी ये दूसरी या तीसरी, तो वो कम वाली की तरफ जाएगा, उसको दूसरी शुमार करेगा, और अगर जो है दूसरी पढ़ रहा है तो हो सकता है ये तीसरी हो, इसलिए वो कुनूत उसमें भी पढ़ ले, फिर दूसरी पे कादा करे, कादे के बाद फिर खड़ा हो, जब तीसरी पढ़े तो उसमें भी दुआए कुनूत पढ़ ले। अब दुआए कुनूत दोनों में पढ़ेगा और दोनों में पढ़ने के बाद आखिर में क्या करेगा, सजदा साहब कर ले। इसी तरह कहते हैं इमाम नमाज पढ़ा रहा है और दूसरी में शक हुआ है कि पहली या दूसरी या चौथी है और तीसरी में शक है, और मुक्तदियों की तरफ नजर की के वो खड़े हों तो खड़े